अस्सलामुअलैकुम। बरसात का मौसम है, हमने आज मिर्च कबाब तैयार करने हैं। मिर्च कबाब तैयार करने के लिए मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब ये बड़ी वाली जो पकौड़ों वाली मिर्चें होती हैं वो ले ली हैं। कबाब तैयार कर लेंगे। कबाब तैयार करने के लिए मैंने गोश्त लिया है, ये चिकन और मटन में भी तैयार किया जा सकता है। 1.5 किलो गोश्त लिया है, गोश्त कम ज्यादा आप अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। हरे मसाले में इसमें 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। प्याज है मेरे पास छोटी बड़ी है तो मैंने 4 से 5 अदद लिए हैं। अगर मीडियम प्याज होगी तो 4 अदद जाएगी। हरी मिर्चें भी बड़ी मोटी वाली हैं तो मैंने 3 ली हैं, छोटी होंगी तो 4 से 5 अदद वो भी चली जाएंगी। ड्राई मसाले जात में टिक्का मसाला है, सीख कबाब टिक्का मसाला है 1 पैकेट। अनारदाना है 1 टेबल स्पून, काली मिर्च है 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून, कुटा हुआ मसाला है 1 टीस्पून, गरम मसाला है 1 टीस्पून, नमक हसबे जायका है मैंने 1 टीस्पून लिया है क्योंकि तिक्के मसाले में भी नमक होगा तो उसके बाद चेक करके भी डाला जा सकता है, नमक बाद में ज्यादा कर लेंगे लेकिन अभी 1 टीस्पून लिया है। बाइंडिंग के लिए इसमें मैं ब्रेड क्रम ले रही हूँ, 1/2 कप के करीब है। अगर आप लोग बेसन डालना चाहें तो बेसन भी 6 टेबल स्पून जाएंगे और मकई का आटा होता है वो भी 6 टेबल स्पून जाएंगे। मैंने ब्रेड क्रम यूज कर रही हूँ, 1/2 कप के करीब जाएगा। सबसे पहले कबाबों का मेजा तैयार कर लेंगे। तो चॉपर में हमने सबसे पहले गोश्त डालना है। गोश्त के साथ इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और ड्राई मसाले जार डालेंगे। जैसे हम नॉर्मल कबाबों के लिए पीसते हैं गोश्त को वैसे ही पीसेंगे। गोश्त ना हो तो आप इसमें साथ कीमा भी यूज कर सकती हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट वो चला जाएगा सारा। ड्राई मसाले जार, अनारदाना, टिक्का मसाला, कुटावा मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च ये सब भी चला जाएगा। और इसको बारीक हमने चॉप करने के लिए इसमें तकरीबन 1/8 कप पानी यूज करेंगे ताकि ये बारीक पीस जाए। थोड़ा थोड़ा करके कीमा हमने सारा चॉप कर लिया है। अब हरी मिर्च और प्याज को भी हम चॉप कर लेंगे। बारीक चॉप करनी है और साथ साथ कीमे में हमने ब्रेड क्रम जो रखा हुआ था या आप लोगों ने मैदा बेसन जो भी मिक्स करना है वो आप उसमें वो कर लें, वो मिक्स करना है। कीमा देखिए सारा बारीक ग्राइंड किया है हमने। इसमें आप ब्रेड क्रम मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा डाल के मिलाएंगे ताकि जरूरत के हिसाब से मिक्स हो जाए। बहुत ज्यादा डल जाए तो वो भी जो है कबाबों को सख्त कर देता है। वैसे तकरीबन इसमें ये सारा चला जाएगा। प्याज भी बारीक चॉप कर ली है, अब हम इसमें मिक्स कर देंगे कीमे में। बस उसके बाद कबाबों का कीमा बिल्कुल रेडी है। बस इसको मिक्स करना है और ये कीमा रेडी हो जाएगा। हरा मसाला आप लोगों को पसंद हो तो हरा धनिया पुदीना भी शामिल किया जा सकता है इसमें। मिर्च कबाब के लिए कबाबों का कीमा तो रेडी हो चुका था, अब हम मिर्च को हमने अंदर से इसकी जो बीज होते हैं वो छुरी की मदद से होल करके निकाल दी हैं। इसके अंदर हमने कीमे को भरना है। जो कबाबों का कीमा हमने रेडी किया हुआ है उसी को हमने इसके अंदर फिलिंग करनी है। अब इसको बनाने के भी 2 तरीके होते हैं। एक तो आप जो है इसको ऊपर से एल्युमिनियम फॉइल करके ओवन के अंदर भी रखा जा सकता है और करम वगैरह लगा के इसको फ्राई भी किया जा सकता है। दोनों सूरतों में तैयार किए जा सकते हैं, हम दोनों सूरतों में आपको दिखाएंगे। बस ये 1 बाय 1 हमने इसमें कीमे को भर लेना है। 1 बाय 1 करके हमने तमाम मिर्चों को भर लिया है कीमा इसके अंदर। अब हमने ओवन में जो रखेंगे उसको एल्युमिनियम फॉइल से इसको कवर करेंगे इस तरह से ताकि ये इसका
पानी मसाला जो है वो बाहर ना निकले, इस तरह हल्का सा तेल पैन में डालेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा ही डालना है। और बस इसको हमने इसके ऊपर रखना है और इसको ओवन में रख देना है, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ओवन में रखेंगे इसको। बस एक एक करके देखें, मैंने तमाम में एल्यूमिनियम फॉइल लगा दी है और बस इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए ओवन में रखने जा रहे हैं। हाफ मिर्च हम ओवन में रख चुके हैं, हाफ मिर्च को अब हम फ्राई करेंगे। उसके लिए मैंने एक अंडा ले लिया है, उसको बीट कर लिया है और साथ ब्रेड क्रम लिया है। पहले अंडे में डिप करेंगे, स्पेशली मसाले के ऊपर जो है, जो कीमा है उसके ऊपर हमने अच्छा सा लगाना है। अंडे में लगाने के बाद इसको ब्रेड क्रम में करना है और फिर दोबारा से डबल कोटिंग हमने इसके ऊपर करनी है। और फिर दोबारा अंडे में डालना है और दोबारा से ब्रेड क्रम में अच्छा सा इसको, ताकि ये लग जाए, क्योंकि ये मिर्ची की स्किन जो है वो बहुत स्किनी सी होती है, तो इसके ऊपर ब्रेड क्रम जरा हल्का उससे लगता है, तो इसलिए हम डबल कोटिंग कर रहे हैं। या आप एक और तरीके से भी इसको बना सकते हैं, जो हम बेसन घोल के पकौड़े इसकी मिर्चों के बनाते हैं, उस तरीके से भी इसको आप बना सकते हैं। बस वन बाय वन करके हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई हम शल्लो से थोड़ा सा ज्यादा तेल में करेंगे, या चाहे तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तमाम मिर्चों पे क्रम लग चुका है, अब हमने इसको फ्राई करना है। मीडियम आंच के ऊपर करेंगे ताकि अंदर तक कीमा इसका गल जाए। उसकी पहचान ये है कि आप मिर्च का जो ऊपर का स्किन है वो हमारी नरम हो जाएगी, तो इसका मतलब है ये अंदर से भी गल जाएगा कीमा। फ्राई वाली मिर्चें हमारी रेडी हो चुकी थी आप लोगों को दिखाने के लिए। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। तकरीबन हमने इसको 5 से 6 मिनट तो फ्राई करना ही है ताकि कीमा अंदर तक फ्राई हो जाए। ओवन वाली अभी नहीं हुई, उसको 15-20 मिनट लगते हैं तैयार होने के लिए। फ्राई वाला तेल गर्म होता है तो आराम से तैयार हो जाती है। जी नाजरीन, फ्राई मिर्चें तो हमने आपको दिखा दी थी, ओवन वाली भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखें बिल्कुल स्किन इसकी नरम हो गई है, उससे अंदाजा हो जाता है कि ये अब अंदर से कीमा पक चुका है। और अगर आप इसको और कलर वलर देना है तो आप फ्राई कर लें दोबारा, लेकिन फिर वही ऑयली का मसला आता है। तो ये बगैर ऑयल के मिर्च कबाब बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। बस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।